कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज से किसानों ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया है। ऐलान के मुताबिक किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करने शुरू कर दिए हैं। किसानों के टोल फ्री करने की चेतावनी को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली हरियाणा के रास्तों में आने वाले 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले और नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पथराव के मामले पर ममता सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय के समन के बावजूद ममता सरकार चीफ सेक्रेटरी और राज्य की डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप मैसेज द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धमकी देने वाला शख्स आगरा का बताया जा रहा है। इस मामले में FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ कहिए कुछ सुनिए, लेकिन तब से मोदी जी आपने सब कुछ कहा पर कभी भी सुना नहीं। राजस्थान की गहलोत सरकार में सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना समर्थन वापस लेगी। पार्टी के संस्थापक छोटू भाई वासपा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा कांग्रेस एक है, बीटीपी राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेगी। बीटीपी ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट कमांडर निशांत सिंह को सैन्य सम्मान के साथ गोवा में अंतिम विदाई दी गई। 26 नवंबर 2020 को MiG-29 के विमान हादसे में उनकी जान चली गई थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 98,27,000 हो गई है। इनमें 3,58,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 93,23,792 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,42,662 लोगों की मौत हो चुकी है। डांसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक हुआ है। इसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है। बताया जा रहा है कि अब रेमो की हालत स्थिर है।